शेयर ऐसा मुजरिम है यानी मरने के बाद अगर मिट्टी हो के तुम ख़त्म हो जाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छा बन के ज़िंदगी गुजारेगा उसका अंजाम भी मिट्टी और जो जुल्म करेगा बुरा बन के ज़िंदगी गुजारेगा उसका अंजाम भी मिट्टी तो ये तो बहुत बड़ी धांधली है ये बहुत बड़ा जुल्म है ना इंसाफी है कि जो तमाम पूरे जहानों का चलाने वाला बादशाह है उसने माज़ अल्लाह सबको एक ही लाठी से हाँका हुआ है तो अल्लाह ने फरमाया लकुम तुम्हें क्या हो गया कई फा तुम कैसे फ़ैसले करते हो तो ये सवाल खुदा का इनकार करने वालों से भी है ये जितने एथियस उल्टे उल्टी बातें कर रहे हैं ना यूट्यूब चैनल पे बैठ के जितने भी एथियस्ट हैं ना मुलहिद इनमें एक चीज़ कॉमन होती है इंग्लिश बहुत झाड़ते हैं ये नंबर दो तो साइंसदानों के हवाले बहुत देते हैं सिर्फ भरम में लेने के लिए बात आ रही है समझ में देखो एक उसूल याद रखो मैं बार बार एक बात बयान करता हूं कि आसान चीज़ को कभी पेचीदा मत बनाओ इससे इंसान वसवसों का शिकार हो जाता है कुछ चीज़ें बहुत आसान रखी हैं कुदरत ने दो और दो चार की तरह उसमें साइंसदानों से पूछना ये हमाकत है वो आपको उलझा देगा आपको मालूम है कि इल्म की कसरत बाफ़ा आदमी को गुमराह करती है हालांकि इल्म तो इंसान को रोशनी देता है ना लेकिन बाज़ दफ़ा ये इल्म इंसान को गुमराह कर देता है क्यों इसलिए कि अपनी मेंटल अप्रोच से ऊपर की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देता है इंसान और जो दो और दो चार की तरह सीधी चीज़ें हैं ना वो भी उसको टेढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं के वजूद को मानना इंसान के लिए बे इंतहा जरूरी है नहीं मानेंगे तो यह तबाही होगी जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि आपको सही और गलत का क्यामत तक पता ही नहीं बल्कि आपको पता है इंसान दलील देके शैतान का सही होना साबित कर देगा दलील दे के लोगों पर जर्मन ने जो दुनिया पर इतना जुल्म किया ना हिटलर ने भाई वो क्यों दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था क्या दुनिया में दूसरे लोगों को हुकूमत करने का हक नहीं है लेकिन उसका उसका ख्याल क्या था पूरी दुनिया किसके हाथ में होगी मेरे वजह उसकी यह थी वो एक दलील देता था वो वो डॉर्विन के नजरिए से इस्तेमाल करता था कि हम गोरे चिट्टे लोग हैं हम जो है ना बाकी दुनिया के जो लोग हैं ना जब दुनिया में इरतका हुआ है तो वो पीछे रह गए और हम एक स्टेप आगे निकल गए तो जो वो कहता था इंसान जिस बेस पे जानवरों पे हुकूमत करता है या बंदरों पे हुकूमत करता है उसी बेस पे हम बाकी इंसानों पे हुकूमत करेंगे नहीं आ रही बात वो कहते हैं, हम जो है ना अगला स्टेप है इंसान का आखिरी स्टेप है यानी अब तक जो आखिरी स्टेप है इस बात को दलील बना के कि हम जहीन हैं हम वाइट कलर के हैं और इस तरह के टोपी ड्रामे लगाए हुए थे उसने और बाज लोग इसलिए दुनिया में जुल्म करते हैं वो कहते हैं भाई इस दुनिया में ताकतवर को हुकूमत करने का हक है तो हमारी फौज मजबूत है तो हम क्या करेंगे हम हुकूमत करेंगे और इसी बेस पे चल रहा है अवाम मतहदा में पांच कंट्रीज हैं जिनको वेटो पावर इस्तेमाल करने की इजाजत है पता है ना आपको इसकी दलील क्या है कहते हैं इनके पास पावर ज्यादा है नहीं आ रही बात फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है फलस्तनी पर वजह क्या है अकवाम मुतहदा में तमाम कंट्रीज के वोट फलस्ती के हक में जाते हैं लेकिन करारदाद पास होने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है अमेरिका अमेरिका के पास वेटो पावर है वो इस पावर को इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों के हक में करारदाद मंजूर नहीं होने देता वेटो पावर क्यों है भाई चाइना के पास है ना वेटो पावर रशिया के पास है फ्रांस के पास है क्यों है कि कोई भी करारदाद पास होने से ये रोक सकते हैं अपनी पावर इस्तेमाल करके अकवा मुतहद ने यूनाइटेड नेशन ने इनको ये राइट क्यों दिया इसलिए कि ये क्या है पावरफुल मुल्क है तो पाकिस्तान से कहते हैं आप अमेरिका जितने पावरफुल बन जाओ तो आपको भी वेटो पावर का हक हासिल अब ये किस बेस पे आपने किया भाई वो उनके पास दलाइल है कि यार अगर ताकतवर मुल्कों को ये इख्तियारात ना दें तो वो दूसरे मुल्कों को खाना शुरू कर देंगे वो ये कर देंगे वगैरह वगैरह तो इसका मतलब आपने मान लिया कि इस दुनिया में हुकूमत करने का हक किसके पास है पावरफुल के पास इसको नहीं देखा जाता कि इसकी दलील सही है या गलत सारी दुनिया मानती है कि इसराइल का फलस्तीन पे कब्जा नाजायज है लेकिन दुनिया कर कुछ भी नहीं सकती क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए बनी है उसने वेटो पावर का इस्तेमाल किसी भी लिहाज से पांच बड़े कंट्रीज को दिया हुआ है जिनमें एक क्या है अमेरिका लिहाजा बहुत सी पॉलिसियां मंजूर नहीं होने देता वो तो इस्लाम को अगर आप मेरे भाई अल्लाह को दरमियान से निकाल दोगे तो ये सब कुछ दुनिया में होगा और अब दुनिया एक और नई जंग की तरफ जा रही है एक और बड़ी जंग की तरफ जिस तरह के हालात बन रहे हैं ना क्योंकि नहीं यूनाइटेड नेशन ने कंट्रोल तो काफी हद तक किया हुआ है लेकिन पूरा कंट्रोल यूनाइटेड नेशन का भी नहीं है क्योंकि लॉज इस किस्म के बने हुए हैं उनके हाथ में भी नहीं है तो इससे साफ पता चलता है कि भाई अल्लाह को मानना इंसान के लिए अंतहाई जरूरी तो अब मैं जो असल बात कहने वाला था कि अगर यह अंतहाई जरूरी है तो इसके वजूद के दलाइल अल्लाह ने पेचीदा रखे होंगे या बहुत आसान रखे होंगे क्योंकि मैं पहले मिसालों से समझा चुका हूं जो चीज़ हमारे लिए जरूरी होती है उसका समझना हमारे लिए कुदरत ने आसान रखा है यह नेचर का उसूल है अगर आप अल्लाह को नहीं भी मानते नेचर का उसूल है तो अल्लाह को मानना अगर जरूरी है तो नेचर ने अल्लाह के होने के दलाइल को डॉर्विन की थ्योरी या साइंसदानों की पेचीदा फलॉसफी पे नहीं रखा एक चमाट लगाओ समझ में आ जाएगा वो जैसे बच्चे को थप्पड़ लगाया था ना रुक गया था वो खाम, -खाम में नफसियाती डॉक्टरों को बुला बुला के टाइम वेस्ट कर रहे थे तो ये तो खैर ऐसे ही आ गया दरमियान में चमाट वाला किस्सा तो अल्लाह को समझना भी बहुत क्या है मैं जितने मुल्हदेन से एक सवाल पूछता हूँ कि यार तुम खुद से बने हो अगर मैं एक ड्राइंग बनाऊँ तस्वीर तुम्हारी एक पेपर पे आँख ना कान हो उसमें टांगे वांगे सिर्फ बल्कि चेहरा बना दूँ और अगर कोई साइंसदान उठ के कहे कि ये तस्वीर खुद से वजूद में आई है करोड़ों अरबों साल की इत्तिफाक के बाद मान लोगे कभी नहीं मानेगा कह रहे हैं, नहीं यार ऐसा इत्तिफाक से ऐसा डिज़ाइन नहीं बन सकता यार इतफाक से जब ऐसा डिज़ाइन नहीं बन सकता तो सच्ची मुच्ची का इंसान है इस डिज़ाइन का कैसे बन गया अरे ये बेजान आंख नहीं बन सकती तो ऐसी आंख जो देखती है जो पल के नीचे भी करती है जरूरत के वक्त ऊपर भी करती है जिसमें पल के भी ब्लैक कलर की लगी हैं ताकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए उसमें आंखें चुनियाए नहीं और फिर दो आंखें हैं और फिर उनके दरमियान में ऐसे उनकी बॉल लगा दी है कि उनका जो फासला है वो वर्नियर कैलीपर के जरिए भी उसको एडजस्ट करना मुमकिन नहीं है इतने तमीज से उन आंखों को जोड़ा गया है और फिर उनकी गुच्छे तारों के इतने पेचीदा गुच्छे जैसे कैमरे में नहीं गुच्छे होते लाखों जो जो है ना नशे हैं जो इतनी पेचीदा पेचीदा पूरे गुच्छों की वायरिंग नहीं जैसे होती टेप चढ़ाते हैं ना वायरिंग करने वाले वो टेप चढ़ा के बाकायदा वायरिंग करके खोपड़ी में घुसेड़ है वो उनमें से एक वायर भी अगर कहीं से डैमेज हो जाए इंसान अंधा हो जाता है उनमें उनमें जनाब रेज भी गुजर रही है उनमें आपकी रोशनी की लहरें चेंज भी हो रही हैं दूसरी लहरों में फिर वो ऐसे लेंसेज इस स्टाइल से लगा दिए हैं कि वो पीछे अक्स बन रहा है उसका फिर दिमाग उसको सीधा कर रहा है फिर ये तो सिर्फ एक आंख है आंख बाकी नाक को देखो जबान को देखो यार जबान पे अगर कोई जायका रखो आप सेकंडों में बताती है हाथ पे रखोगे हाथ नहीं बताएगा कि मीठा है खट्टा है क्या है जबान पे जैसे ही रखो फौरन जबान सिग्नल देती है दिमाग को खट्टा है मीठा है तुरश है मजेदार है कड़वा है कैसा है? एक सेकेंड में बता देती है क्या क्या यानी सेंसर लगाते हैं भाई जबान में ये जबान की तस्वीर बना दो तो, तो कहेंगे खुद नहीं बन सकती जबान खुद बखुद बन गई फिर वो अंदर फिट हो गई लंग्स फिर वो लंग्स हैं फेफड़े हैं गुर्दे हैं कलेजी है दिल है एक मेडिकल साइंस जिस बॉडी को हजार साल से पढ़ रही है अब तक पूरा नहीं पढ़ सकी जिस बॉडी को पढ़ना इतना मुश्किल जिसके लिए पढ़ा जाता है डॉक्टर बनते हैं उस बॉडी का वजूद खुद ब खुद हो गया खुदा की कसम इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है जो ये दावा करता है बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना बहुत ये चश्मा खुद से वजूद में आया है मुझे एक बात बताओ हालांकि चश्मे का काम है आपकी आंख में अगर वक्त के गुजरने के साथ कुछ सेटिंग आउट हुई है तो चश्मे लगाने से वो सेटिंग क्या हो जाती है सही हो जाती है चश्मा सिर्फ आपकी आंख की सेटिंग जो थोड़ी सी आउट हुई है ना उसको एडजस्ट करता है समझ रहे हो अब कोई ये कहे कि आंख तो खुद से बनी है लेकिन जो चश्मा उसको एडजस्ट करने के लिए वो खुद से वजूद में नहीं आ सकता वो उसको कोई इंसान बनाएगा और भाई ये तो फ़र्ज़ किया जा सकता है कि चश्मा खुद बन गया हो जो चश्मा जिस आंख पेचीदा क्योंकि चश्मा खुद कुछ नहीं देखता चश्मे का तो इतना मामूली सा काम है कि वो आंख में थोड़ी सी सेटिंग आउट हुई है तो उसको क्या कर देता है सही कर दे वरना चश्मा ले जाओ तो नजर आएगा चश्मे से खाली चश्मा लगा लो सर पे लगा दो तो चश्मा नजर आएगा तो ये चश्मा खुद से नहीं बन सकता भाई तो ये आंखों के जो ओरिजिनल लेंस हैं ये खुद से कैसे एडजस्ट हो गए और कितना अजीब निज़ाम है माँ के पेट में एडजस्ट हो रहे हैं रोटी खा रही है माँ उससे आंखें बन रही हैं अजीब, खुदा ने अपने वजूद के अपनी कुदरत के कमालत अल्लाह ने इसलिए कुरान में फरमाया वफी तो से कौम तुम्हें अगर मैं समझ में नहीं आता अपने बारे में गौर करो मैं मेरे वजूद का तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कोई है बनाने वाला अपने आप को गौर करो साइंसदानों के पास जाने की जरूरत नहीं है ना लंबी चौड़ी थ्यूरी पढ़ने की जरूरत है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत है अपने आप पर गौर कर लो तो मैं समझ में आ जाऊंगा क्योंकि अल्लाह को समझना इंतहाई जरूरी लिहाजा उस समझने के अल्लाह ने इंतहाई आसान रख दिए उसके उसके लिए लिए कोई डिग्रिया लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए अकल का सही इस्तेमाल हो जो शहवत परस्ती से पाक अकल होती है बस इतना काफी है हर धर्म ना हो जिद्दी ना हो तो ये जिद्दी है हर धर्म है इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा वक्त काफी ज्यादा हो गया अल्लाह ताला समझने की अमल की तोहफी कदाइब